नमस्कार दोस्तों दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर काफी बड़े ऐलान लिए गए हैं होली पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात, अभी आप सबको पता है यूपी के मौसम में भी काफी बदलाव हो रहा है, तो उसके लिए भी खबर है, आराम से देख लीजिएगा। सभी किसान भाई लोग भी, आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण आज की खबरें होने वाली हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी खबर आपसे आज छूटे ना। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले यूपी के मौसम के बारे में, हो जाएं एकदम सावधान। यूपी समेत इन राज्यों में होने वाली है बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी जारी। जी आपको बता दें पिछले 24 घंटे की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में हल्की मध्यम बारिश हुई है, और आज यूपी में बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने, तो आज यूपी के अंदर भी बारिश देखने को मिल सकती है। अगर बारिश हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, ईंट बालू मोरंग गिट्टी ढुलाई में ट्रैक्टर ट्राली के इस्तेमाल पर लगाएंगे लगाम, हाईकोर्ट का परिवहन विभाग में निर्देश। जी आपको बता देना चाहते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईंट बालू मोरंग गिट्टी आदि की ढुलाई में ट्रैक्टर ट्रॉली के इस्तेमाल पर लगाम लगाने को कहा है। इसके लिए परिवहन विभाग को निर्देश देते हुए जरूरत पड़ने पर कानून बनाने को कहा है। यानी अपने आसपास में हम देखते हैं ट्रैक्टर के अंदर जो मिट्टी या फिर कुछ भी चीज़ें लेकर जाते हैं, बालू हो गया, मोरंग हो गया, तो उसके लिए निर्देश देखने को मिल सकता है कि क्या आने वाले समय में हो सकता है। बाकी आपको आने वाले समय पता चल जाएगा इसके प्रति कोई निर्देश या कोई नया नियम लाया जाता है तो वो मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, गुजरात मॉडल पर होगा यूपी के छोटे शहरों का विकास, बनेगा नियोजन प्राधिकरण, यह है पूरा मामला। आपको बता दें यूपी के छोटे शहरों का विकास गुजरात मॉडल पर होने वाला है, जिसके अंदर मास्टर प्लान के साथ नियोजन प्राधिकरण बनाया जाएगा। सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजक विधेयक लाएगी और विधेयक का प्रारूप भी जारी कर दिया गया है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की खाली पदों पर भर्ती जल्द ही होने वाली है, महिला अभ्यर्थियों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन। आपको बता दें राजधानी लखनऊ के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अगर है उसके लिए 531 खाली पद हैं, इस बार इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन कर उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। और कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है upaanganwadibharti.in पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञापन की जो तारीख है वो 21 दिनों तक होती है, जिसके लिए आप विज्ञापन एक बार आ जाए जैसे ही उसके बाद जारी होते ही आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, होली पर घर जाने की राह आसान करेगा रेलवे, कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। जी आपको सबको पता है अगर हम बात करें चाहे वो यूपी हो, बिहार हो या फिर कोई भी राज्य का इंसान हो, अगर वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर काम करता है तो वो अपने काम को छोड़कर अपने त्यौहार के टाइम पर अपने घर जरूर आता है, तो इसीलिए होली पर यात्रियों की भीड़ देखते हुए रेलवे ने अपनी कमर को कस लिया है और कई होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने वाली है। कई ट्रेनों का समय बदला भी गया है, कई ट्रेनों पर बरेली में ठहराव शुरू किया गया और स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, सीएम योगी के मौजूदगी में एमएसएमई उद्यमियों को मिले 30,826 करोड़ के लोन, अजय कपूर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जी आपको बता दें यूपी के सीएम योगी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए, उधर कांग्रेस से 3 बार के एमएलए रह चुके अजय कपूर भाजपा में अब शामिल हो चुके हैं। इसके प्रति आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर से बता दीजिएगा। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, सीएम योगी ने बरेली को दी है बहुत बड़ी सौगात, जिसमें 328 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। आप सबको जानकर बहुत हैरानी होने वाली है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली में 328 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, और इन परियोजनाओं में आईटी पार्क और महादेव सेतु शामिल है, जो नाथनगरी में बरेली की नई पहचान बनने वाले हैं। वाकई में बहुत बड़ी चीज देखने को मिल रही है, इसके लिए तो आपको एक वीडियो को लाइक जरूर से कर देना चाहिए। चलिए इसी के बाद बात करते हैं, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, कार के ऊपर स्टंट कर रहा था एक दूल्हा और उसके लिए बहुत महंगा पड़ गया स्टंट करना। जी हां, पुलिस ने सीज कर दी गाड़ी, प्रशासन के आगे गिड़गिड़ाए भरा दी। जी आपको बता दें मुजफ्फरनगर में एक दूल्हे का कार पर खड़े होकर स्टंट करना इतना महंगा पड़ गया। दरअसल हाईवे पर दूल्हा कार के ऊपर खड़े होकर ड्रोन से वीडियो शूट करवा रहा था, तभी वहां पर पुलिस ने आकर कार को सीज कर दिया और उनके लिए बहुत भारी पड़ गया, उसके बाद उन्हें काफी रिक्वेस्ट करना पड़ा। जी हां, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने कार को रुकवाया और अपने कब्जे में ले लिया और फूलों से सजी लग्जरी कार को सीज कर दिया। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, सपा कांग्रेस और बसपा को मतदान करने से बर्बाद होगा आपका वोट, उन्नाव में बोले सीएम योगी। जी आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप सपा कांग्रेस या बीएसपी को अपना मतदान कर रहे हैं तो वो आपका वोट बर्बाद हो जाएगा, जो लोग सुरक्षा और रोजगार नहीं दे सकते उन्हें वोट देने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है इसके प्रति आपका विचार मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। और इसी के साथ बात कर लेते हैं, फागुन आते आलू पर चढ़ने लगा महंगाई का रंग, 3 साल बाद किसानों के चेहरे पर लौट जाएगी रंग। जी आपको बता दें सब्जियों के सरताज माने जाते हैं आलू, क्योंकि वो हर सब्जी के अंदर मिक्स हो जाते हैं।
आपको आलू अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, फागुन के महीने में महंगाई का जमकर रंग चढ़ रहा है। मंडियों में आलू के जो भाव है वो चमकते हुए दिख रहे हैं। 3 साल से आलू के घाटे की गिराह पर किसानों के चेहरों पर खुशी लूटी, क्योंकि आलू की कीमतों में इस बार बढ़ाव देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 30,826 करोड़ का मेगा ऋण वितरण पर सीएम योगी बोले, चाइनीज उत्पादकों को हमने मार्केट से दूर किया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्णय ले लिया जिसमें उन्होंने चाइनीज जितने भी उत्पादन थे उनको मार्केट से दूर कर हमारी स्वदेशी चीजें या फिर इंडिया की चीजों को भी बढ़ाने का आगे अपना कदम उठाया है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अयोध्या को स्मार्ट सिटी के लिए मिला 6500 लाख का, ये होंगे 8 नए काम। जी आपको बता दें, अयोध्या की स्मार्ट सिटी के तहत 8 नए कार्य किए जाएंगे। उसके लिए अयोध्या नगर निगम को 6500 लाख की सौगात प्रदेश सरकार ने दी है। अब उसके अंदर अयोध्या के अंदर काफी नए बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, नई नई चीजें की जाएगी, तो आने वाले समय में अयोध्या और प्रगति की तरफ होगा और पर्यटन आएगा, तो वाकई में बहुत अच्छा होने वाला है यूपी के लिए। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। जुर्माना नहीं भर पाने पर जेल में ज्यादा सजा नहीं भुगतनी होगी, ऐसे जमा होगी राशि। जी हाँ, जुर्माने के अभाव में जमानत होने के बाद गरीब बंदी अब जेल में नहीं रहेंगे, उनके जुर्माने की राशि केंद्र सरकार द्वारा जमा कर उन्हें रिहा कराया जाएगा। जेल अधिकारी ऐसे गरीब बंदियों की जानकारी देंगे। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं यूपी के सर्वे के बारे में। यूपी में एनडीए को मिलने जा रही है बंपर सीटें, इंडिया अलायंस का क्या हाल है? जी हाँ, एक सर्वे के अंदर बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए को कुल 80 में से 77 सीट मिल सकती है, जबकि 2 सीटें इंडियन अलायंस और 1 मायावती के खाते में जा सकती है। सबसे ज्यादा 57 सीटें वोट जो है वो एनडीए को मिलने के आसार बताए जा रहे हैं, बाकी तो आने वाले समय में पता चलेगा, ये तो सिर्फ एक सर्वे है। इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। CAA लागू होने पर यूपी में हाई अलर्ट, मुस्लिम धर्मगुरु फरंगी महली ने कहा किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जी आप सबको बता दें, CAA लागू होने पर काफी चीजें देखने को मिल रही है। जी आपको बता दें, नागरिक संशोधन अधिनियम जो CAA लागू है उसके बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर 2019 में कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए इस बार पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है, क्योंकि पहले जब इसको ऐलान करने की बात की गई थी तब भी काफी दंगे फसाद हुए थे, लेकिन हाँ अभी इस चीज को लेकर पूरी निगरानी में है, जिसमें DZF ऑफिस की तरफ से सोमवार को शाम को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। और इसी बीच मुस्लिम धर्मगुरु और लखनऊ में ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चिप्स इंडस्ट्री का हब बनेगा इंडिया, पीएम मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर प्लांट का किया शिलान्यास, बोले ये सेक्टर विकास का द्वार है। जी हम सबको बता दें, सेमीकंडक्टर की दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर के कोई चीज बन नहीं सकती, चाहे वो लैपटॉप हो, फोन हो या चाहे कुछ भी हो। उसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया 3 सेमीकंडक्टर प्लांट का। और आपको बता दें, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस सेक्टर में भारत की ग्रोथ से सबसे ज्यादा लाभ देश के युवाओं को होने वाला, वाकई में चाहे वो रोजगार की तरफ हो चाहे किसी और चीज की तरफ बात करें, तो मोदी जी वाकई में बहुत अच्छा काम करते जा रहे हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान, एक बड़ा अपडेट RBI ने दी है, बड़ी जानकारी। जी आपको बता देना चाहते हैं, जी आपको बता दें, RBI की नई गाइडलाइन के मुताबिक ये नियम उन संस्थानों को लागू नहीं होंगे जिनके द्वारा जारी किए गए कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है। साथ ही कार्ड जारी करता है जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं उन्हें इससे बाहर रखा गया, और ये नियम अधिसूचना की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी रहने वाली है। और आपको बता दें, गौर मतलब है कि भारत में फिलहाल 5 कार्ड कंपनियां जिसमें वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब आदि हैं। इन कंपनियों का अलग अलग वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता है। बाकी और जानकारी चाहते हैं तो एक बार पोज करके पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर जो भी डिटेल है वो आपको और अच्छे से मिल जाएगी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।